दोस्तों अगर आप भी यहाँ पे अमई शाओमी या पोको में अगर मोबाइल खरीदना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि दोस्तों अभी जो यहाँ पे अमई के अंदर एक प्रॉब्लम आ रही है, बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम, जो कि यहाँ पे मतलब क्या बताऊँ, अगर आप 20,000 रुपये का मोबाइल भी खरीदते हो तो वो आपके 20,000 रुपये मतलब ऐसे ही चले जाएंगे, क्योंकि अभी जो प्रॉब्लम आ रही है वो आ रही है कि अमई शाओमी पोको के अंदर इनके सेट डेड हो रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा होगा पोको X3 Pro काफी सारे मोबाइल डेड हो चुके हैं अपडेट करने के बाद, और पोको X3 Pro ही नहीं और भी काफी सारे मोबाइल्स हैं जो कि डेड हो रहे हैं, और जो डेड नहीं हो रहे उनके अंदर कुछ और प्रॉब्लम्स आ रही है, यानी कि ऑटोमेटिक ऑन ऑफ हो रहे हैं या कुछ भी, मतलब काफी अलग अलग प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि हमें कैसे पता चला, जब हमने पोको X3 Pro डेड का वीडियो अपलोड किया था तो उसके अंदर काफी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि भाई हमारा पोको M3 भी डेड हो चुका है, और मैंने खुद ने देखा है, यहाँ पे कोई हमारा दोस्त था वो लेके आया मेरे पास Redmi Note 9 और उसने बोला कि भाई मैंने कल इसको अपडेट किया और अभी ऑटोमेटिक नाम पे मतलब ऑन ऑफ हो रहा है। तो उसने मतलब कहा कि मैंने कल अपडेट किया था, तो उसको फिर सर्विस सेंटर भेजा गया। तो दोस्तों ऐसे काफी सारे मोबाइल में प्रॉब्लम आ रही है अपडेट के अंदर, क्योंकि ये आगे से मतलब एक बग आया है। एक्चुअली दोस्तों होता क्या है ना, ये जो इसके अंदर चिपसेट डाले जाते हैं वो एकदम लो क्वालिटी के डाले जाते हैं और कम प्राइस के अंदर, क्योंकि आपको पता होगा शायद ये पोको X3 Pro ये पहला मोबाइल है जो इतनी कम प्राइस के अंदर इतना इसके अंदर भारी प्रोसेसर मिलता है। तो ये क्या करते हैं, एकदम लो क्वालिटी के प्रोसेसर डालते हैं। हम यहाँ पे BGMI वगैरह खेलते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा गर्म होते हैं, और जब अपडेट आता है तो उसके अंदर अपडेट के अंदर काफी सारे बग्स आ जाते हैं, तो दोस्तों दोनों मिलके यहाँ पे सेट डेड हो जाता है। यानी कि ये मेन हार्डवेयर की प्रॉब्लम है इसके अंदर, मतलब देखे तो हार्डवेयर की प्रॉब्लम है। हमने भी पोको X3 Pro यहाँ पे सर्विस सेंटर से रिपेयर तो करवा लिया था, पर अभी भी कभी कुछ प्रॉब्लम आती है कभी कुछ आती है, पर हमने अभी तक इसको अपडेट नहीं किया है। तो दोस्तों अगर आप भी Xiaomi MI के अंदर किसी नए मोबाइल को लेने की सोच रहे हो तो दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी के लिए आप कोई भी मोबाइल ना खरीदे। हो सकता है हमें इसके अंदर मतलब कुछ अच्छा कर दे, तो इसके लिए वेट करना होगा। अगर आप अभी मोबाइल लेना चाहते हो तो दोस्तों 1-2 महीने के लिए वेट कीजिए, हो सकता है कुछ अच्छा हो जाए। अगर अभी आप इसको खरीदोगे तो बहुत ही आपको मतलब पछतावा हो सकता है। दोस्तों आपने भी नोटिस किया होगा कि आप देखते होंगे कि आईफोन सैमसंग जो नोट सीरीज के मोबाइल हैं काफी भारी प्राइस रहती है उनकी, जबकि उनका प्रोसेसर मतलब यहां पे ये जो पोको X3 Pro या जो नॉर्मल मोबाइल है इन्हीं के जैसा होता है, जो 20-25 हज़ार के नीचे होते हैं। तो आप सोचते होंगे कि भाई यहाँ पे ये तो 25,000 का है और इसका प्रोसेसर इतना ज्यादा है, और वो तो मतलब 70-80 हज़ार का है फिर भी इसका प्रोसेसर इतना है। तो मेन रीजन यही है दोस्तों कि ये प्रोसेसर जो है वहां पे हाई क्वालिटी के दिए जाते हैं, मतलब आपको शिकायत का मौका नहीं मिलता, और यहाँ पे ये साल भर या 6 महीने के अंदर ही आपके मोबाइल वगैरह डेड हो जाएंगे। और आपने एक चीज और नोटिस की होगी, ओप्पो या वीवो के जो मोबाइल्स हैं 20,000 के नीचे वो भारी प्रोसेसर नहीं देते, मतलब एक नॉर्मल मीडियम प्रोसेसर देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर हम भारी प्रोसेसर दे देंगे और आगे मोबाइल में शिकायत आएगी डेड होगा तो फिर मतलब वो कस्टमर तो टूटने ही हैं। तो वो एक नॉर्मल सा यहाँ पे बजट यहाँ पे प्रोसेसर देते हैं जिसके अंदर कैमरा वगैरह सब कुछ अच्छा देते हैं, मतलब दोस्तों ऐसा ही होना चाहिए। अगर हम कुछ टाइम के लिए अच्छा गेमिंग कर लेंगे पर बाद में वो डेड होगा तो काफी ज्यादा तकलीफ होती है, क्योंकि 20,000 का मोबाइल हम बार बार नहीं खरीद सकते। तो यही कहूंगा कि अमई और अगर मेरी कोई वीडियो देख रहा है इनके तरफ से तो जरूर यहाँ पे इसके अंदर इंप्रूव करें जल्दी से जल्दी, क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा मुसीबतें आ रही है। हमारे पास काफी सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि भाई मेरा भी डेड हो चुका है, भाई मेरा भी डेड हो चुका है। तो अभी के लिए आप अगर एमआई शाओमी या रेडमी पोको कोई भी मोबाइल खरीदना चाहते हो तो अभी के लिए मत खरीदिए। तो दोस्तों अगर वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा, मैंने सोचा कि आपको बताया जाए, क्योंकि काफी सारे लोग यहाँ पे खरीदने वाले हैं एमआई के मोबाइल, क्योंकि इसके अंदर प्रोसेसर भारी देख के लालच में आ जाते हैं, क्योंकि हम भी आ चुके थे, तो इसीलिए मैंने वीडियो बनाना जरूरी समझा। तो वीडियो अगर आपके लिए कुछ काम आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। हम ऐसे ही यूजफुल वीडियोस हमारे चैनल पर लाते रहते हैं। मिलते हैं ऐसे किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।